की और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम यहाँ पे आपको कुछ नज़ारा दिखाना जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे जो बहरागोड़ा है उस जगह पे जेठ वाला धान भी यहाँ पे एक लगाया जाता है, जो बहुत सारे जगह में नहीं लगाया जाता हमारे तरफ। तो उधर हमारे चेवासा उधर ये वाला धान नहीं लगाया जाता है। जनरली जो वो ठंडा वाला मौसम जनवरी महीना में होता है ना, वही वाला धान लगाया जाता है। तो यहाँ गर्मी के सीज़न में भी ये जेठ धान बोलते हैं उसको, वो वाला धान लगाया जाता है। तो वो वाला हम आपको दिखाने के लिए ले चल रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं, हम इस तरफ से चलेंगे। और यहाँ पे देखिए ये हाईवे है, जो ये ब्रिज है आप देख सकते हैं, ये देखने में कितना खूबसूरत है, पर आए दिन यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये देखने में तो अच्छा है और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी है कि हमारे मतलब ये रास्ता बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड कर रही है। तो चलिए चलते हैं इस तरफ। दोस्तों देखिए, आप ये देख सकते हैं ये ब्रिज, जो ये फ्लाईओवर है आप देख सकते हैं, ऊपर से भी काफ़ी गाड़ियां जाती है और नीचे से भी, और उस तरफ भी यहाँ पे फोर लाइन वाला रास्ता है, तो चार है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है बहरागोड़ा वाला डायरेक्शन दिया हुआ है और खड़गपुर वाला डायरेक्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे, इसी रास्ते से चलेंगे। आ चुके हैं ये धान वाला इलाका में, आप देख सकते हैं यहाँ। और यहाँ पे पहुँचने के बाद इतना मन को सुकून लग रहा है, एकदम हरियाली, इसे देख के ही जैसे होता है ना कि यहाँ गर्मी का सीज़न है अभी अप्रैल का, पर यहाँ पे आके एक होता है ना बहुत ठंडक वाला फीलिंग हो रहा है, बहुत मतलब ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है मन को, और बहुत हरियाली हरियाली देख के बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम दिखा देंगे नज़ारा, देखिए ये दूर दूर तक कितना हरियाली है। और यहाँ से यहाँ पे हम करीब वाला चीज़ दिखा दे रहे हैं कि देखिए यहाँ पे धान का होता है ना, ये धान भी आ चुका है, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे इसका फल आ चुका है, मतलब धान हो गया है, तो अभी पका नहीं है, एकदम पूरा हरियाली। और यहाँ पे हम देखिए हम दिखा देंगे यहाँ से उतना दिख रहा है कि नहीं, वो देखिए पानी का भी सुविधा दे दिया गया बीच में, वो पंप कुछ लगा दिया गया, उसे पानी सप्लाई मतलब ये सबको मिल रहा है पानी, मतलब सफिशियंट पानी इन लोग को मिल रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ के देखते हैं क्या क्या है आगे और कैसा हुआ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस तरफ से। तो दोस्तों देखिए हम धान के कितने करीब आ चुके हैं, ये देखिए हम धान को छू भी पा रहे हैं, ये धान पूरा रेडी हो चुका है, पकेगा कुछ महीने में। देखिए यहाँ आके बहुत सुकून लग रहा है पता है, और ये चीज़ हम लोग के तरफ तो ये चीज़ देखने को मिलेगा ही नहीं। और यहाँ तो देखिए इतना सारा मतलब होता है ना, सारे लोग हमको लगता है धान दूर दूर तक, मतलब यहाँ पे धान का खेती पूरा एकदम 12 महीना होता होगा हमको लगता है, एक तो जेठ वाला और एक तो वो ठंडा वाला, देखिए हम दिखा दे रहे हैं आपको। और चलिए हम आपको और भी इधर भी हम चल के दिखा देंगे, इस तरफ से हम चलेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दूर दूर तक हरियाली और बीच में से रास्ता है, कितना खूबसूरत लग रहा है एकदम यहाँ का नज़ारा देखने में। और ये सब चीज़ तो हमारे इलाके में देखने को मिलता नहीं, और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ से हमको जाने का वापस मन नहीं कर रहा है, मतलब ये सब चीज़ इतना गर्मी का सीज़न में, और ये सब चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोगों मतलब यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती है, देख के लगता है कि कितना मतलब होता है ना ये धान का हार्वेस्टिंग ये लोग कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और देखिए कितना मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत होता है ना सुकून वाला फील हो रहा है कि कितना मतलब गर्मी में भी ठंडक एहसास हो रहा है कि बहुत मज़ा टाइप से लग रहा है। देखिए आप भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली, इधर धान का खेती और उधर तो उधर पेड़ों का हरियाली, और कितना खूबसूरत लग रहा है। इधर आप देख भी सकते हैं सूरज कितना मतलब होता है ना, शाम होने जा रहा है और ये सूरज भी ढलने जा रहा है, मतलब इस टाइम में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ना यहाँ का खेती कितना खूबसूरत है, मतलब देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है हमको, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है ये सब चीज़ देख के, मतलब होता है ना बहुत अच्छा वाला फीलिंग हो रहा है कि ये चीज़ कितना मतलब यहाँ का हरियाली देख के। तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके उधर ये चीज़ होता है कि नहीं, ये जेठ वाला धान मतलब गर्मी वाला 12 महीना बोलेंगे मतलब वह
ऐसा वाला धान तो होता है, ये इस मौसम वाला होता है कि नहीं बोल के आप मुझे ये कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अभी यहाँ एंड करते हैं, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।